Good morning, kids. Hi, sir. How are you? I'm fine, thank you. आज देखो हमने करना है ये बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है? जब भी हम पैदा होते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक हॉस्पिटल से एक हमको क्या मिलता है, बर्थ सर्टिफिकेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं जन्म प्रमाण पत्र, ठीक है? हर बच्चे को मिलता है वो। कोई अगर हॉस्पिटल में होगा तो हॉस्पिटल से मिलेगा, अगर जैसे तुम गाँव में होगे तो तुम्हें ग्राम पंचायत से मिलेगा, ठीक है? तो देखो ये होता है, मतलब जो हमको जो मिलता है जो सर्टिफिकेट वो इस टाइप का होता है। देखो क्या क्या लिखा होता है इसमें। सबसे पहले इसमें लिखा है फॉर्म नंबर 5, फॉर्म नंबर 5, गवर्नमेंट ऑफ केरला, ठीक है? ये केरल का है, केरल भी क्या है हमारा एक राज्य। कहाँ है केरल की राजधानी? वेरी गुड, क्या है? तिरुवनंतपुरम। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज टू सर्टिफाई दैट दिस इन्फॉर्मेशन इज टेकन फ्रॉम द ओरिजिनल रिकॉर्ड ऑफ द बर्थ विच इज इन रजिस्टर ऑफ द ईयर 2002 ऑफ कोटायम पंचायत, ठीक है? ये इसमें कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना? अब देखो इसमें नाम लिखा है उस बच्चे का, इस बच्चे का नाम है बिंसी थॉमस जैकब, बिंसी थॉमस जैकब। अब यहाँ पे लिखा है सेक्स, सेक्स मतलब वो लड़का है या लड़की, तो लड़की को बोलते हैं फीमेल और लड़के को बोलते हैं मेल, ठीक है? तो वो क्या है, लड़की है। फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है कि वो कब पैदा हुआ था, फिर प्लेस ऑफ बर्थ लिखा हुआ है कि वो कहाँ पैदा हुआ था। अब यहाँ पे लिखा हुआ है देखो काडम पूजा हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल में पैदा हुआ था, ठीक है? नेम ऑफ द फादर यहाँ पर भरना है, उसके पापा का नाम क्या है, फिर उसकी मदर का नाम क्या है, और किस दिन उसका रजिस्ट्रेशन हुआ। जरूरी नहीं है कि जिस दिन हम पैदा हों उसी दिन, जिस दिन हम पैदा होंगे उसी दिन क्या होगा, उसी दिन का रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पर लिखा जाएगा और ये डेट लिखी हुई है जिस दिन ये बना होगा और सिग्नेचर। तो यहाँ पर डेट आ गई और यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे जो आपको ये सर्टिफिकेट इश्यू करेंगे, ठीक है? अब देखो ये लिखा हुआ है 2/5/2000 shows that Binsi was born on, अब देखो 5 है ना यहाँ पे लिखा हुआ, 5 मतलब कौन सा महीना रहा होगा वो? जुलाई। गलत। अगस्त जनवरी। उंगली में गिनो ना, मई। कौन सा? मई। 2 May 2002। अब देखो हाउ ओल्ड विल Binsi बी ऑन 2 May 2008। अब देखो पैदा कब हुई थी वो, 2002। अब वो बोल रहे हैं 2008 में वो कितने साल की होगी। अब 2008 में दो घटाओ, 8 में दो घटा के 8 में 6, तो कितने साल की होगी वो, 6 years, ठीक है? हाउ ओल्ड विल सी बी इन ईयर 2052। अब देखो वो बोल रहे हैं कि वो 2052 में कितने साल की होगी, 2002 में पैदा हुई थी वो और 52 में कितने साल की, तो 52 में दो घटा के कितना आएगा, 51 50। वेरी गुड, कितना 50 50 years। तो 2052 में कितने साल की हो जाएगी वो, 50 years। ऑन व्हाट डेट विल सी बी 8 इयर्स ओल्ड राइट इन नंबर्स। अब वो बोल रहे हैं कि 2002 में वो पैदा हुई थी तो वो 8 साल की कौन से सन में होगी, तो 2002 में 8 जोड़ो, कितना 8, तो कितना हो जाएगा 8, 2 और 8 कितना होता है 2 और 10, तो कितना होगा 2010 में कितने साल की हो जाएगी वो, 8। अब देखो हाउ मेनी मंथ्स ओल्ड विल Binsi ऑन 2 August 2002। अब वो बोल रहे हैं वो कितने महीने की हो जाएगी 2 August 2002 को, और पैदा कब हुई थी वो, 2002 मई को पैदा हुई थी वो, और अगस्त में वो कितने महीने की हो जाएगी। अब मई से अगस्त तक उंगली में गिनो कितने महीने हो रहे हैं, मई से जून, जून जुलाई अगस्त, कितने हो, 3। तो कितने मंथ की होगी वो, 3 months। हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड इज Binsi नाउ। अभी देखो अभी कौन सा साल चल रहा है, सितंबर साल 2019, और पैदा कब हुई थी वो, 2002। तो 2019 में से दो घटाओ, 19 में से दो 17। कितने साल की थी वो, 17 years। आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स ऑफ हर बर्थ वाज द सर्टिफिकेट इश्यूड। अब देखो वो पैदा हुई थी कब, 2002 मई में, और उसको जो सर्टिफिकेट मिला वो कौन से महीने में मिला, 8वें में, तो 5 से 8 में कितने मंथ बाद मिला उसे बताओ, 13। 5 से 8 तक कितने महीने हो गए, 8 में 5 घटाओ, 8 में 5 घटाओ 3, 3 तो कितने मंथ बाद मिला उसे, 3 मंथ्स। What is the registration date of our certificate? अब देखो इसमें एक जगह पर registration number लिखा हुआ है, कहाँ पर लिखा हुआ है registration number? Registration number कहाँ लिखा हुआ है यहाँ? ये
हाँ क्या है वो पढ़ो सॉरी रजिस्ट्रेशन नंबर पढ़ो ना जीरो कहाँ पे ये तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है ये रजिस्ट्रेशन नंबर ये है पढ़ो क्या है ये एट वन फाइव और इसको बोलते हैं स्लैश जीरो टू क्लियर है